अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट के पाटस कार्यक्रम के तहत फन एंड चैलेंज का आयोजन किया गया। संस्था के परियोजना कार्यालय में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य रूप से समूह डांस प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें डांस में सब्जीपुर से आए बच्चों के समूह को प्रथम पुरस्कार मिला। भाषण प्रतियोगिता में फकीरपुरा की इल्मा को प्रथम पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त पहेली अक्षर पहेली गेम का आयोजन हुआ। चाइल्डलाइन ने भी अपने सप्ताह पर्यंत चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह का इसी के साथ समापन भी किया। हमारा कार्यक्रम जो है वो बेसिकली बच्चों के बढ़ावे के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके टैलेंट्स को बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा के स्तर में बढ़ाने के लिए, उनका स्वास्थ्य सुधार के लिए, सुरक्षा के लिए और उनका पर्सनल हाइजीन, उनकी शारीरिक साफ सफाई, उनकी सराउंडिंग्स की साफ सफाई के लिए कार्यक्रम करता है। और आज का जो कार्यक्रम है वो खास तौर से बच्चों के लिए, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से कोरोना के चलते हुए बच्चों को जो मौके नहीं मिल पाए हैं, सार ने एक छोटी सी कोशिश की है कि उस कोरोना पीरियड को भी ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को एक अवसर दिया जाए कि वो अपने टैलेंट्स और अपनी जो उनकी इच्छाएं हैं, उनकी काबिलियत है, उसको यहाँ पर हमारे समाज के साथ बांट सकें। प्रोग्रामिंग कंपटीशन भी है, प्राइज वगैरह भी है। जी बिल्कुल, आज बच्चों ने विभिन्न प्रकार के ग्रुप डांस को तैयार किया है, एक पजल में भागीदारी करेंगे। इसके साथ साथ शब्द बनाने का एक कंपटीशन रहेगा जिसमें बच्चे भागीदारी करेंगे और उसको खुशी के साथ मनाएंगे भी, साथ साथ उसमें इनाम को भी पाएंगे। मैम, जिन बच्चों में काबिलियत होती है, हुनर होता है, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, ऐसे बच्चों को आगे ले जाने के लिए हमें किस तरह से कदम उठाने चाहिए? हमारा मानना यह है कि हम ना केवल उन्हें उनके क्षेत्र में, क्योंकि हमारे यहाँ पर आज 4 जगह से बच्चे आए हैं, सब्जीपुर गांव से, नानपुर के मिलक गांव से, फकीरपुरा जो एक स्लम क्षेत्र है, चक्कर की मिलक जो कि एक स्लम एरिया है, यहाँ पर भी छुपे हुए टैलेंट्स को हम एक मौका दे रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाएं। इसके बाद मेरी पूरी इच्छा यह है कि उन्हें स्टेट लेवल पर ले जाया जाए और उनको और अच्छे मौके मिले और उनकी प्रतिभाएं, जिनको मौका नहीं मिल पाता, जिनको सीखने का अवसर नहीं मिल पाता, उनको मौके मिलने पाए। तो हमारी साथ की यही एक इच्छा है और इसी इच्छा के साथ हम लोग बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शिक्षा विभाग से ARP अनीता राठौर, प्रोबेशन से शिवांगी शर्मा व सामाजिक कार्यकर्त्री आशा शर्मा उपस्थित रहीं। साथ संस्था से कार्यक्रम समन्वयक चाइल्डलाइन श्रद्धा शर्मा, कार्यक्रम समन्वयक पार्टिस लोतिका जैकब अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे।